नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। ये फूल दांत खाज खुजली को जड़ से मिटाता है तो खूनी बवासीर में वरदान है। इससे गंजापन खत्म होता है तो मुंह के छालों को पल भर में मिटा देता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकॉन है, आप उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी, जिसे देखकर आप अपने लिए फायदा उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको चमेली के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे। चमेली की बेल होने के कारण सभी लोग इसे पहचानते हैं। हिंदी में इसको चमेली, मराठी में चंबेली, गुजराती में चंबेली और अंग्रेजी में जास्मीन नाम से जानी जाती है। चमेली के फूल सफेद रंग के होते हैं, लेकिन किसी किसी स्थान पर पीले रंग के फूलों वाली चमेली की बेलें भी पाई जाती हैं। चमेली के फूल, पत्ते और जड़ तीनों ही औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसका स्वाद तीखा और सुगंधित होता है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है। इसके फूलों से तेल और इनका निर्माण भी किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं चमेली के चमत्कारी फायदों के बारे में। त्वचा रोग। चमेली के फूलों को पीसकर बनी लुगदी को त्वचा रोगों जैसे दाद, खाज, खुजली पर रोजाना 2 से 3 बार लगाने से त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। यह चमेली का तेल चर्म रोगों के एक अचूक व चमत्कारिक दवा है। इसको लगाने से सभी प्रकार के जहरीले घाव, खाज खुजली, आग से जलना, घाव भर जाते हैं, अनेक रोग बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। यह त्वचा के रोग और रक्त विकार से उत्पन्न रोगों में चमेली के 6 से 10 फूलों को पीसकर लेप करने से बहुत अधिक फायदा होता है। खूनी बवासीर। चमेली के पत्तों का रस तिल के तेल के बराबर की मात्रा में मिलाकर आग पर पकाएं। जब पानी उड़ जाए और केवल तेल शेष रह जाए तो इस तेल को गुदा में 2 से 3 बार नियमित रूप से लगाएं। इससे खूनी बवासीर नष्ट हो जाती है। बालों के रोग। चमेली के पत्ते कनेर, चीता और करंज को पानी के साथ लेकर पीस लें, फिर इनकी लुगदी के वजन से 4 गुना मीठा तेल और तेल के वजन से 4 गुना पानी और बकरी का दूध लें। इन सबको मिलाकर पका लें। जब थोड़ा तेल ही बाकी रह जाए तब इसे उतारकर छान लें। इस तेल को रोजाना सिर में लगाने से गंजेपन का रोग मिट जाता है और आपके गंजे सिर पर भी बाल आ जाते हैं। सिर दर्द। चमेली के तेल को सिर में लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। दांतों का दर्द। दांतों में ज्यादा दर्द होने पर चमेली के पत्ते, मेनफल, कटेरी, गोखरू, लोद्र, मंजीठ और मुलहटी को बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ पीसकर लुगदी बना लें। लुगदी की मात्रा से 4 गुना तेल और तेल से 4 गुना पानी मिलाकर सबको आग पर पकाएं। जब पानी जल जाए तथा तेल शेष बच जाए तो उसे छान लें। रोजाना सुबह शाम इस तेल को दांतों पर मलने से दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। फटी एड़ियां। चमेली के पत्तों के ताजा रस को पैरों की दीवाई यानी फटी एड़ियों पर लगाने से फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। मुंह के छाले। चमेली के पत्तों को मुंह में रखकर पान की तरह चबाने से मुंह के छाले, घाव व मुंह के सभी प्रकार के दाने नष्ट हो जाते हैं। मसूड़ों के दर्द में चमेली के पत्तों से बने काढ़े से बार बार गरारे करते रहने से मसूड़ों के दर्द में बहुत अधिक लाभ होता है। चेहरे की चमक। चमेली के 10 से 20 फूलों को पीसकर चेहरे पर लेप करने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है। पेट के कीड़े। चमेली के 10 ग्राम पत्तों को पीसकर पीने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं और मासिक धर्म भी साफ होता है। दोस्तों, चमेली के प्रयोग में कुछ सावधानियां भी हैं जिनका आपको पालन करना है। चमेली का अधिक मात्रा में उपयोग करने से गर्म स्वभाव वाले लोगों के लिए सिर दर्द में दर्द उत्पन्न होता है। चमेली के उपयोग से होने वाला सिर दर्द को दूर करने के लिए गुलाब का तेल और कपूर का तेल उपयोग में लाना चाहिए। तो दोस्तों, आप ही चमेली के तेल का प्रयोग करके इससे होने वाले फायदों को उठा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। खासकर बवासीर, गंजापन, दाद खाज खुजली में तो ये अचूक औषधि की तरह काम करता है।
तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।